أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة महतरम हजरात ख़वा पुरफतान दौर में फितने के इसबाब अकसाम और इलाज के सिलसिले में सिलसिलावार हम लोगों ने समात किए हैं आज के इस आखिरी कड़ी में हम लोग ये मालूम करेंगे कि मुख्तलिफ तरह के फितनों से बचाव की राहें नजात की राहें क्या क्या हैं गश्त दर्स में गुजत खिताब में हमने खुलासे के तौर पर ये मालूम किया था कि तमाम तरह के फितनों का ख़ुलासा और उनकी बुनियादें दो हैं एक है फितनातुलशहवात शहवतों का फितना और दूसरा है फितनातुलशबहत शुकु को शुबहत का फितना जितने फितने दुनिया में हैं, सारों का ताल्लुक इन दोनों ही से ही होंगे या तो फितना तो शहवाज से उसका ताल्लुक होगा या फितना तो शुबात से उसका ताल्लुक होगा और फिर उसके इसबाब इलाज उसका नतीजा क्या है इन सब चीज़ों को हमने गुजशत दर्स में मालूम किया है आज हम मालूम करेंगे कि इन मुख्तलिफ तरह के फितनों से बचाव का मज़मूई इलाज क्या है हर फितने के साथ हमने ये मालूम किया कि उससे बचाव का तरीक़ा क्या है आज हम लोग ओवरऑल मज़मूई तौर पर तमाम तरह के फितनों से बचाव की सूरतें क्या क्या हैं शरा एतबार से वो मालूम करेंगे अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद की जो आयतें पढ़ी हैं अल्लाह ताला ने फरमाया अन्ना से मैया अबूल अल हर्फ लोगों में से बाज़ ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत किनारे किनारे से करते हैं क्या मतलब है फ़ैन असाबा खैर इतमान्नबी अगर ख़ैर की हालतें हों तो इतमान और सुकून की सांस लेते हैं व इन असाबत हो फितना फित उनबा अलावा जी और अगर कोई फितना आ घिर ले अगर कोई फितना आ घेर ले तो उस वक्त अपने चेहरे के बल पलट जाते हैं दुनिया वाला आखिर ऐसे ही लोग दुनिया और आखिरत का नुकसान उठा बैठे हैं जिंदगी सारी की सारी आजमाइश है हमने इससे पहले मालूम किया है

और अल्लाह के रसूल जिंदगी और मौत के फितने से पनाह मांगते थे मिन वल ममात की आयत नंबर पच्चीस में अल्लाह ने फरमाया वजअल वजाहबा फितना तुम में से हर एक को हमने दूसरों के लिए फितना बनाया है बाई से आजमाइश बनाया है और हमने इससे पहले ये मालूम किया है हर एक दूसरे के लिए आजमाइश है बाप बेटे के लिए बेटा बाप के लिए औलाद वालदा के लिए वालदान औलाद के लिए मियाँ बीवी के लिए बीवी मियाँ के लिए दोस्त दोस्त के लिए रिश्तेदार रिश्तेदार के लिए अकारीब अकारीब के लिए पड़ोसी पड़ोसी के लिए एक टीचर स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स टीचर के लिए हाकिम महकुम के लिए महकुम हाकिम के लिए एक मालदार गरीब के लिए गरीब मालदार के लिए एक सेहत व तंदरुस्त बीमार के लिए बीमार और सेहत तो व तंदरुस्त के लिए गर्ज सारी दुनिया में जालना बदलेन फितना आजमाइश है इलाज क्या है क्या सबर करोगे सबर यही गोया के हर तरह के फितने का इलाज है सबर का क्या मतलब है सेल्फ कंट्रोल अपने आप को कंट्रोल करो अपने इस मन को समझाओ मनमानी जिंदगी नहीं मन चाही जिंदगी नहीं रब शाही जिंदगी गुजारना है इसको समझाया करो तस्वीर सबर करो बर्दाश्त करो एक दूसरे को तहमल्ल करो सबर और तहम्मल ये सबसे पहला इलाज है हम फितने से कैसे बच सकते हैं पहला इलाज सब्र तहमल क़वत बर्दाश्त बर्दाश्त करके चलो दुनिया में सब्र करना सीखो एक दूसरे को अंगेज करो बर्दाश्त करो और दूसरा इलाज अल्लाह की इबादत अल्लाह की इबादतों में जमे रहो नबी ने क्या फरमाया? फरमायाबादतों से हरज का हिजरत हरज यानी फितने के वक्त में अल्लाह की इबादत करना मेरी तरफ हिजरत करने के बराबर है नबी ने फरमाया और ये ना हो कि अच्छी हालतों में अल्लाह की इबादत किनारे किनारे से कर लें और बुरी हालतों में अल्लाह की इबादत फरामोश कर दें या बुरी हालतों में तो अल्लाह याद आए लेकिन अच्छी हालतों में अल्लाह को फरामोश कर बैठे ऐसा ना हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के हालात में ही फरमाया नेक आमाल करते रहो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम की हदीस है बादिरो बिल अमाल फितनन कक़ता अल लैल नेक अमल में जल्दी करो अंधेरी तारीख रात के फितने के आने से पहले ये खतरनाक फितना जब आएगा अंधेरी रात की तरह है कि लोग सुबह में मोमिन होगा शाम तक काफिर बन जाए शाम में मोमिन रहेगा सुबह होते होते काफिर बन जाए इसका मतलब सुबह शाम भी हो सकता है या कम वक्त बहुत कम वक्त में चंद आयाम में ही या चंद हालातों में ही काफिर से मुशरक मोमिन से मुशरक बन जाए मुशरक मोमिन से फिर मुशरिक बन जाएं और फिर ईमान की तरफ लौट आए फिर दोबारा मुशरिक बन जाए का सौदा करेंगे दुनियावी मकासद के लिए दुनिया हासिल करने के लिए दीन का सौदा करेंगे आज हम देख रहे हैं इस तरह का माहौल आज देख रहे हैं ऐसे माहौल और हालात आने से पहले ऐसे खतरनाक फितने में दो चार होने से पहले बाद बिल आमाल नेक आमाल में जल्दी कर लिया करो तो ये दूसरा इलाज है कि नेक आमाल कसरत से किया करें फितने से बचाव के लिए तीसरा काम हमें ये करना है अल्लाह की इबादत में मगन रहना है और इबादतों में नबी ने कई बातें बयान की हैं एक हदीस में हजरत यमान फरमाते हैं फितना तो नबी ने फरमाया आदमी का फितना उसके घर में है वो माल ही उसके माल में है वह नफ्सी उसकी जात में है वह ही उसके आला औलाद में है वह जारी ही उसके पड़ोसी में है वा जालना, वा जालना लिबाद फितना हर एक दूसरे के लिए फितना है हर चीज में फितना है हमने इन सब चीजों को तफसील के साथ मालूम किए हैं अब इनका कफारा क्या है कैसे बच सकते हैं नबी ने खुद फरमाया लिसान नबूत ने फरमाया तो कब फिर सलात सिया अनिल कर इन सब चीजों का इन फितनों का कफारा बनता है नमाज सलात, सदका भलाई का हुक्म देना बुराइयों से रोकना दात तबलीग का काम करना याद रखना दात तबलीग का काम ये इंसान को फितने से बचाएगा दावत करो या तबाही के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि नबी ने खुद फरमाया कि दावत तबलीग का काम छोड़ दोगे तुम बर्बाद भी हो जाओगे तुम्हारी दुआएं कबूल भी नहीं होगी दावत तबलीग का काम करोगे वक्त का सबसे बड़ा जिहाद है अपने वजूद को मनवाने के लिए अपने वजूद और एग्जिस्टेंस की हिफाजत के लिए दावत तबलीग अजहद जरूरी है और सोशल एक्टिविटीज खदमत खलक बहुत जरूरी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहले वही नाजिल हुई अगर उन्होंने कहा इन खशी तो अला नफसी मुझे अपनी जान का डर है मां खदीजा मदीजर तना ने क्या फरमाया हर गिज नहीं क्यों आपके जो औसाफ गए सारे के सारे सोशल एक्टिविटीज हैं अबू बकर हिजरत करके जाना चाहे इबन उदन्ना काफिर सरदार ने कहा कि मैं ही पना दूंगा आप जैसे सोशल एक्टिविटीज करने वालों को यहां से जाने नहीं दूंगा

आपके परवरदिगार की तरफ से जो नाजिल किया गया यानि कुरान हदीस की तबलीग करो तो ही तबलीग कदा होगा कुरान हदीस छोड़ के किसी और किताब और निसाब की अगर आप तबलीग करोगे तबलीग कदा नहीं होगा अल्लाह ने खुद फरमाया नबी से खुद कहा फैन लमता फैल अगर आप किताब सुन्नत की तबलीग का तबलीग ना करो फमा बल्ल रिसाल तो आपने रिसालत का हक तबलीग का हक अदा नहीं किया और अगर आप तबलीग करोगे मिनन्नास अल्लाह ताला आपको लोगों से हिफाजत करेगा आपकी हिफाजत फरमाएगा दावत के जरिए से अल्लाह की हिफाजत होगी नबी ने कश्ती की वो मिसाल देकर समझाया दो दर्जे वाली कश्ती है ऊपर नीचे पानी ऊपर मिलता है नीचे वालों को पानी लेने के लिए ऊपर के दर्जे में जाना पड़ता है ऊपर वालों को डिस्टर्ब होता है नीचे वालों को रोकते हैं नीचे वाले सोचते हैं पानी तो हमसे नीचे करीब में है कश्ती में सुराख डाल के छेद डाल के पानी निकाल लेंगे नबी ने क्या फरमाया अगर ऊपर वाले सुस्ती और काहिली करें मस्ती में रहें नीचे वालों का हाथ ना रोके तो ये भी डूबेंगे वो भी डूबेंगे यही मिसाल है जो गलत काम कर रहे हैं अगर हम उनको ना समझाएं तो हम भी डूबेंगे वो भी डूबेंगे हजरात फितने से बचना चाहते हैं दावत तबलीग का काम किया करें फितने से बचने के लिए एक और तरीका सुन्नत रसूल पर डटे रहना जमे रहना बिदा तो खुराफात से दूर रहना अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया तुम आखिरी जमाने में देखोगे फितने फसाद अख्तलाफात

जो रसूल की मुखालफत करते हैं यानी बिता तो खुराफात अंजाम देते हैं उनको डरना चाहिए अगर तुम सुन्नत से अट जाओगे बाहुम फितना फितने से दो चार हो जाओगे और इसी बाहुम अदाबन अलीम या दर्दनाक अजाब से दो चार कर दिए जाओगे इसलिए हमें चाहिए कि सुन्नत पर जमे रहें रटे रहें और फिर नबी सल्मा ने भी फरमाया और ये अहम बात है याद रखिए फितने से बचने के लिए फितना जब शुरू हो जाए किसी भी तरह का कोई फितना हो तो ये ना सोचो क्या है जाकर देख लें फितने को आजमाने की कोशिश मत करो फितने का तजुर्बा करने की कोशिश मत करो बल्कि फितने के बारे में सुनो तो कोसो दूर रहो कोसो दूर रहो उसका तजुर्बा उसका मुशाहदा करने की कोशिश मत करो प्यारे नबी वसल्लम ने फरमाया फितुन समा बुकमा आखिरी जमाने में अंधा कर देने वाला बहरा और जो है गोंगा फितना होगा खतरनाक फितने होंगे ऐसे बारे में सुनो तो फितने के करीब मत जाओ फितने को देखने की मत कोशिश मत करो झांको मत क्या है देखेंगे नहीं और फितने का तजुर्बा करने की कोशिश मत करो बल्कि दूर रहो कोसो दूर रहो नबी ने फरमाया मन अशरफा ला इस तरफ जो इंसान फितने की तरफ झांकेगा फितना उसको अपने लपेट में ले लेगा बहुत सारे लोग हैं देखते क्या है आज वबा का जमाना है चलो बाहर निकलते क्या होगा देखा जाएगा नहीं फितने का तजुर्बा मत करो आगे बढ़कर देखने की कोशिश करोगे फितना क्या है कोशिश करोगे देखने के लिए उसमें दो चार हो जाओगे नबी ने क्या फरमाया सुबह रिसालत में क्या फरमाया है फरमाया फीफ फितने के वक्त में जबान से जबान से कुछ कहना तलवार के वाक होने से भी खतरनाक है तलवार से मारने से भी खतरनाक है जबान से कुछ कहना है ऐसे वक्त में खामोश रहो अपने घर में रहो नबी ने क्या फरमाया इसे वक्त में दौड़ चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर है बैठने वाला खड़े होने से बेहतर है अपने घर में रहने वाला आफियत में रहेगा घर में बैठ जाओ ऐसे वक्त में नबी ने फरमाया घर में बैठने वाला सबसे अफजल है फितने का तजुर्बा करने की कोशिश मत करो फितने से दूर भागो और आखिरी बात ने हजरत आमिर ताला सवाल के जवाब में फरमायाजात फितजात का जरिया क्या है आप सरमायाजात चार तीन चीजों में है अपनी जबान को कंट्रोल में रखो बच जाओगे फितने से बच जाओगे जबान को कंट्रोल में रखो जबान इस्तेमाल किए नबी ने खुद फरमाया इशराफ लिसान सैफ जबान चलाना तलवार तर चलाने के बराबर है और दूसरी बात वलिया सबाई तुख तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी हो जाए घर में रहा करो घर से बाहर मत निकलो जहां तक हो सके घर में वक्त गुजारो इसी में तुम्हारी लिए नजात है हर तरह के फितने वबाई फितना हो या कोई दूसरे फितने हो हर तरह के फितने से बचने के लिए घर में रहा करो वलिया साक भाई तो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी हो जाए और तीसरी चीज वब की अला अपने गुनाह पे रोया करो अपनी गलती पे रोया करो रमजान मुबारक के आखिर आशा शुरू हो चुका है और आखिरी अशरे में रात जागने का शब कदर की तलाशी का वक्त शुरू हो चुका है ऐसे वक्त में अपने गुनाहों को याद करके रो गुनाहों को याद करो और गुनाहों से माफ़ी मांगो अल्लाह ताला से और हुकूक लिबास से ताल्लुक रखने वाला हो तो उसी से माफ़ी मांगा करो हजरात ये चंद बातें थी फितने से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फितने से बचाव इख्तियार करें एक और टॉपिक इंशाल्लाह रह गया हो सके तो इंशाल्लाह आइंदा आखिरी दर्स में इसको सोचा कि आज ही खत्म करो वक्त हो रहा है एक और टॉपिक में इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा क्योंकि भी बहुत जरूरी है कि फितने और आजमाइश में अल्लाह का कानून क्या होता है अल्लाह कैसे आजमाता है क़ानून इलाही फितना और आजमाइश में क़ानून इलाही क्या है ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम फितनों को समझ सकें और उससे दूर रह सकें दोब्ल ला आमीन से अल्लाह तबरक हमें और आपको कह न सुनने से ज़्यादा अमल की तोफ़ीकतः फ़रमाएँ अल्लाह हमें हर तरह के फ़ितने से बचाएँ और फितने से बचाओ की जो राहें और तरीक़े हमने मालूम किए उनको अपनाने की तोफ़ीतः फ़रमाएँ अमीन व आख्रदादिल्रबालमी